हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये जो चैप्टर है वो जेईई मेंस के सिलेबस में है। जेईई मेंस के पेपर में यहाँ से सवाल आता रहा है, हर साल तो नहीं आता बट यहाँ से सवाल जेईई मेंस पूछता है। जेईई एडवांस में डायरेक्टली इस चैप्टर पे बेस्ड कोई सवाल नहीं बनता है कि परफेक्ट एक सवाल यहीं से बना दिया, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं सेट थ्योरी में, जो कुछ पढ़ने वाले हैं आप, सेट्स के टाइप वगैरह, वो मैथमेटिक्स में हर कहीं काम आते हैं। तो जेईई एडवांस डायरेक्टली इस चैप्टर पे बेस्ड ऐसा कोई परफेक्ट सवाल नहीं बनाएगा, बाकी जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो वहाँ भी काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, देखो अंडरलाइन किया मैंने इसको, वेल डिफाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसी का नाम क्या होता है? सेट होता है। वेल डिफाइंड एक वर्ड काम में लिया है मैंने। डेफिनेशन बिल्कुल सुपरिभाषित होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी कर रही हो उस कलेक्शन की। अगर कोई कलेक्शन ऐसा है जिसकी डेफिनेशन पर्सन ए के अकॉर्डिंग कुछ और, पर्सन बी के अकॉर्डिंग कुछ और पर्सन सी के अकॉर्डिंग कुछ और, तो उस कलेक्शन को आप सेट नाम नहीं दे पाएंगे। हर पर्सन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सेम होनी चाहिए, तभी इसको बोल पाएंगे आप वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसका नाम क्या हो गया? सेट हो गया। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। जो सेट्स के नाम होते हैं उनको आप कैपिटल अल्फाबेट से सामान्यतः रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी किसी और नाम से भी उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। जो सेट्स के एलिमेंट होंगे उनको सामान्यतः आप इन जनरल स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, बाकी किसी और से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ये लिखा मैंने यहाँ पे, इस साइन का मतलब होता है एप्साइलन, मीन्स बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए ये दो स्मॉल ए, सेट ए का एलिमेंट है और इस साइन का मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए बिलोंग्स टू सेट ए यानी जो ए है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। Which collection is set or not? कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा नहीं, ये आपको कमेंट करना है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज ऑफ क्लास 11th, ये फर्स्ट हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स इन इंडिया। थर्ड कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपको कमेंट ये करना है कि इसमें कौन सा कलेक्शन एक सेट होगा और कौन सा नहीं। चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पे आता है कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज। ये देखिए आप, हैंडसम, क्या हैंडसम जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड है? पर्सन
ए पर्सन, बी पर्सन, सी, तीन पर्सन लेते हैं अपन, हर पर्सन के अकॉर्डिंग हैंडसम वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन पॉसिबल है। किसी एक के अकॉर्डिंग हैंडसम का डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा, कलर के हिसाब से गोरा है काला है, किसी पर्सन बी के अकॉर्डिंग हैंडसम का डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा, पर्सन सी के अकॉर्डिंग हैंडसम का डेफिनेशन कुछ और भी हो सकता है। तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग हैंडसम वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन पॉसिबल है। मीन्स ये जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो जो कलेक्शन बनेगा उसको आप सेट नाम नहीं दे पाएंगे, मीन्स नॉट ए सेट। सेकेंड पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो कलेक्शन होगा क्या वो एक सेट होगा? बिल्कुल ये एक सेट होगा, बिकॉज जितने ह्यूमन बींग्स इंडिया में हैं वो सारे उस सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। वो चाहे पर्सन ए हो, चाहे पर्सन बी हो, चाहे पर्सन सी हो, सबके अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स का डेफिनेशन सेम ही होता है। जितने हैं उतने ही रहेंगे वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। जैसे अब मैं इस टाइम पे इसको बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे कितने ह्यूमन बींग्स हैं, तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, चाहे पर्सन ए हो, चाहे बी हो, चाहे पर्सन सी हो, सबके अकॉर्डिंग उतने ही रहेंगे वो। तो ये वेल डिफाइंड है, मीन्स एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में पढ़ने वाली जो भी इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन। अभी जो इंटेलिजेंट वर्ड है क्या ये वेल डिफाइंड है? सोच के देखिए। नहीं, बिकॉज इंटेलिजेंट वर्ड का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट वो है इसको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी पर्सन बी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट वो है इसको स्पोर्ट्स अच्छा खेलना आता हो, कि किसी पर्सन सी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट वो है जिसको फिजिक्स अच्छी आती हो। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है उसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, मतलब ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि अपन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे उसको लिखें अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक मिनट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इसके लिए दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट रोस्टर मेथड, इस मेथड में क्या करना होता है आपको, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबको सेट के अंदर आपको लिस्ट करना होता है वन बाय वन। जैसे डेफिनेशन लिखने के बजाय एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। लेट से सेट ए बोल दिया मैंने, चाहे ये मेथड हो चाहे आगे आने वाले मेथड हो, दोनों के अंदर ये सेट को लिखने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स काम आते हैं, ये लगाने पड़ेंगे आपको। यहां इस मेथड के अंदर क्या है, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबको यहाँ पे लिस्ट कर देना आपको, और कॉमा से उनको सेपरेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन एलिमेंट मान लिया, टू थ्री ए अल्फा बीटा लैम्डा, जितने भी एलिमेंट है सारे लिस्ट करने हैं आप, और कॉमा से उनको सेपरेट करके इन कर्ली ब्रैकेट्स में आपको इनक्लोज कर देना। सेट ए इसका नाम हो गया। अब जो एलिमेंट्स मैंने अंदर लिखे हैं वो एलिमेंट सारे कैसे होने चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। एक एलिमेंट आपको एक से ज्यादा बार कॉपी नहीं करना है, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे वन पहले लिखा हो चाहे वन बाद में लिखा हो, वन लिखा होना चाहिए वो चाहे कहीं भी आए, एलिमेंट्स का ऑर्डर वहां पे मैटर
नहीं करता है। तो ये तो होगा रोस्टर मेथड। इसका एक नाम और होता है, इसको आप टैबुलर मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड, सेट बिल्डर, या इसका एक नाम और है प्रॉपर्टी मेथड। इस मेथड के अंदर क्या है कि आपको सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा एक प्रॉपर्टी या कहें तो ऐसा एक रूल आपको आइडेंटिफाई करना है जिस रूल से उस सेट के सारे एलिमेंट आप बना पाए। जैसे सेट बी मान लिया मैंने, फॉर एग्जांपल सेट बी उसका नाम है, अगेन एक कर्ली ब्रिकेट आपको लगानी पड़ेंगी, वो चाहे मेथड फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, कर्ली ब्रिकेट तो आना ही होता है। एक्स मैंने मान लिया इसका एलिमेंट, सच दैट, इस साइन को बोलते हैं सच दैट, इसका मीनिंग है एक्स सेट का एलिमेंट है, और यहां पे वो रूल लिख देना आप पी ऑफ एक्स, इसको बोल रहा हूं मैं प्रॉपर्टी या कहें तो रूल, जिस रूल से इस सेट के सारे एलिमेंट आप बनाने वाले हैं। तो यहां उसका एलिमेंट आ जाएगा सच दैट, और यहां पे वो रूल कॉपी कर देना आप। अब जरूरी नहीं कि रूल यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में होना चाहिए, अगर रूल का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके। जैसे रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लिया आपने, वैसे प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड का भी एग्जांपल लिया जाए। लेट्स सपोज सेट ए इसका नाम हो गया एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10 मान लेता है। एक्स सेट का एलिमेंट, एक्स यहां पे सेट का एलिमेंट है, और रूल क्या दिया है, देखो रूल यहां मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो 10 या उससे कम। अब 10 की इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, बट 10 से कम तो पॉसिबल है ना, तो 10 से कम जो भी प्राइम नंबर होंगे वो इस सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे लिखा जाए 10 से कम कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 2 हो गया, देन 3, 5, देन 7, ये बन गए इसके एलिमेंट। तो ये तो है रोस्टर मेथड, और ये कौन सा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं इसमें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट इसका, सपोज सेट ए मान लेते हैं, एलिमेंट रखे मैंने इसके 2, 2 के बाद मान लेते हैं सपोज 9, 28, 65, देन मान लिया मैंने 126, 2, 9, 28, 65 एंड 126। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेट बी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये दो एग्जाम्पल हैं, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में आपको ये दिया जा रहा है, और इनको चेंज करना है आपको सेट बिल्डर मेथड में। यानी ऐसा एक रूल आपको आइडेंटिफाई करना है जिस रूल के अंडर इन एलिमेंट को लिखा गया है। जब भी कोई सवाल आपको दिया जाए तो आपको वीडियो वहीं पोज कर देना है, और वीडियो पोज करने के बाद में वो सवाल आपको अपने बिहाफ पे सोल्व करना है।
जब सोल्व कर लिया हो आपने, तब उस वीडियो को आगे प्रोसीड करिए, आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपका कोई मेथड डिफरेंट है, मेरा कोई मेथड डिफरेंट है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो करिए सोल्व। ओके, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में रूल दिखना चाहिए आपको। ये टू टू यहां पे लिखा हुआ है, वन क्यूब प्लस वन। नाइन क्या लिखा हुआ है? टू क्यूब प्लस वन। 28 क्या लिखा हुआ है? थ्री क्यूब प्लस वन। 65 क्या लिखा हुआ है? फोर क्यूब प्लस वन। और 126, फाइव क्यूब प्लस वन। फर्स्ट एलिमेंट में 1 का क्यूब प्लस 1, सेकंड में 2 क्यूब प्लस 1, थर्ड में 3 क्यूब प्लस 1, फोर्थ में 4 क्यूब प्लस 1 और फिफ्थ में 5 क्यूब प्लस 1। तो ये रूल आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो इसको लिख पाएंगे अब। सेट ए है, एलिमेंट मान लिया मैंने यहाँ पे x, और x को लिख दिया मैंने यहाँ पे n क्यूब प्लस 1। अब ये n क्या होना चाहिए? फर्स्ट के लिए n कितना होगा? 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5। तो n यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, आपको यहाँ पे 5 पे एंड करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि n जो नेचुरल नंबर है वो 1 या 1 से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड देख लेते हैं, सेट b, x एलिमेंट मान लिया। जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, साफ साफ डिसाइड कर पा रहे हैं आप, सारे प्राइम है यहाँ पे, और प्राइम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 2 से, और एंड हो रहे हैं 19 पे। तो x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफिनिटली मैनी होते हैं, आपको 2 से स्टार्ट करके एंड करना है 19 पे। तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो 2 से ही होते हैं प्राइम नंबर्स, एंड कहां पे करने हैं आपको? 19 पे। तो प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 19, ये अपना रूल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप लेस देन इक्वल टू 19 लिखेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन 20, 20 से कम बोल दो, 20 से कम प्राइम नंबर, 19 से चलेगा पीछे, 21 से कम बोल दो, 22 से कम बोल दो। रूल जो मैंने लिखा है ऐसा नहीं कि वही फाइनल है, आप इससे डिफरेंट रूल भी बना सकते हैं, बट आपके रूल से जो एलिमेंट आने चाहिए वो भी सेम वही आने चाहिए, एलिमेंट सेम वही बनने चाहिए, रूल दिखने में डिफरेंट लग सकता है। तो ये लिया आपने कि रोस्टर फॉर्म को चेंज कर रहे हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। एक सवाल और लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इस बार जस्ट उसका अपोजिट काम कर रहे हैं हम, इनको रोस्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया जाएगा यहां पर। फर्स्ट लेट सपोज सेट ए मान लेते हैं, एक्स एलिमेंट, एक्स इज ए लेटर, ऑफ वर्ड स्कूल। एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, लैंग्वेज की फॉर्म में रूल दे रखा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेट बी, एलिमेंट एक्स प्लस वन रखा मैंने, सच दैट 4x प्लस 7 इज लेस देन 25, ये एक्स प्लस 2 कर लीजिए इसको, और x बोल दिया मैंने यहां पे नेचुरल नंबर। अगेन वीडियो पॉज कर देना और क्वेश्चन सोल्व करना आपको। देखिए सोल्यूशन, फर्स्ट देखिए,
एक्स यहाँ पे स्कूल वर्ड का लेटर है, उसमें जो भी लेटर आने वाले हैं वो सारे इसके एलिमेंट बन जाएंगे। बना दीजिए सेट ए एस देन सी देन एच देन ओ। अब देखो ओ एक बार और आ रहा है, बट आपको ओ एक बार कॉपी करना है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। देन ए ये बन गया सेट। अब अगेन जैसे मैंने पहले कमेंट किया था कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप चाहें तो एल को पहले लगा दो, एस को बाद में लगा दो, एलिमेंट आने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता उनका। सेकेंड सेट बी देखिए जरा, एक्स प्लस टू इसका एलिमेंट है, इस साइन से पहले जो लिखा होगा उसका एलिमेंट माना जाएगा। इतने जितने भी आप पहले आपने एग्जाम्पल देखे सवाल देखा, वहां पर एलिमेंट एक्स लिया है मैंने और यहाँ पर एलिमेंट क्या लिया मैंने, एक्स प्लस टू लिया। रूल देखिए, एक्स नेचुरल नंबर और साथ में इसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं वन से, पहले एक्स को एक बार वन रख के देखें आप, एक्स को जैसे ही वन रखेंगे यहाँ पे चेक करें, फोर प्लस सेवन इलेवन, लेस देन 25 होता है, यानी वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ, इसका एलिमेंट क्या बन गया 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 3। ऐसे ही x2 चेक करिए आप, 2 पे कितना बनेगा, 8 प्लस 7 15, वो भी कम होता है उससे, यानी 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 अब रखिए यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 भी इसका एलिमेंट है। देन 3 को चेक करिए, 12 प्लस 7 अगेन 25 से कम है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, रखिए 3 यहाँ पे, 3 प्लस 2 5 भी इसका एलिमेंट है। 4 को चेक करिए, 16 प्लस 7 ये भी 25 से कम होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, रख दीजिए यहाँ पे, 4 प्लस 2 6 बन जाएगा। देन 5 चेक करिए, 5 पे कितना बनेगा, 20 प्लस 7 27, वो तो 25 से कम नहीं होता है, यानी 5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आगे आने वाले नेचुरल नंबर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मीन्स सेट बी के एलिमेंट ओनली इतने ही होंगे। तो इस तरीके से आप जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है उसका जो भी रिलेवेंट रूल दे रखा है उसकी हेल्प से आप क्या निकाल पाएंगे, इसके एलिमेंट निकाल के इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, थोड़ी डालिए टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें फर्स्ट सेट आएगा, फर्स्ट टाइप आएगा नल सेट, या आप कहें तो वॉइड या एम्प्टी। सबका एक ही मतलब है, यहां से क्लियर हो रहा होगा आपको कि अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। लिख दीजिए डेफिनेशन, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइन होता है इसके लिए बना बनाया, फाई से। फाई का मतलब एम्प्टी सेट। तो फाई का इफेक्टिव मीनिंग क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स विथ नो एलिमेंट, अंदर कुछ भी कॉपी नहीं करना आपको, इवन ये डॉट भी नहीं लगाना है। अगर ये डॉट लगा दिया तो डॉट भी इसका एक एलिमेंट माना जाएगा। जो एलिमेंट लिखा था आपने, एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट कैन बी दिस मार्कर, कैन बी दिस फोन, कैन बी दिस बोर्ड, इवन ये डॉट भी क्या है इसका एलिमेंट। तो कर्ली ब्रैकेट आपको खाली छोड़ देना बिल्कुल। सेकेंड टाइप सिंगलटन सेट, नाम से क्लियर हो रहा होगा, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आता हो,
उसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे इनके एग्जाम्पल भी आप साथ में लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल लिया मैंने, सेट ई एलिमेंट एक्स, एक्स इज ए इवन प्राइम ग्रेटर देन 4। एलिमेंट एक्स है वो रूल बोल रहे हैं कि एक्स यहाँ पे एक इवन प्राइम होना चाहिए 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा कोई इवन प्राइम होता ही नहीं है, इवन प्राइम दुनिया में केवल ओनली एक होता है 2, तो 4 से बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा मतलब क्या बन गया, नल सेट बन गया 5। सेकेंड का एग्जाम्पल देखना चाहें अपन, सेट ए मान लेते हैं एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। इस बार ये काम में ले लिया मैंने, इवन प्राइम एक ही होता है ओनली 2, तो एलिमेंट 2 बन जाएगा इसका, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, मीन्स ये सेट कैसा हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। थर्ड टाइप पे आते हैं, फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल एलिमेंट हो, 2, 5, 10 लाख, 20 लाख, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखना चाहें, सेट ए एलिमेंट एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 बराबर 0। एक्स इसका एलिमेंट है और साथ में दे रखा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट आप निकालना चाहते हैं, रूट आ जाएंगे इसके 1 और 2, तो इसके एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 1, 2। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, जो कि एक फाइनाइट फिगर है, मीन्स सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इवन इससे पहले जो आपने 2 टाइप पढ़े हैं एक बार उन पे गौर करिए आप, जैसे पहले पढ़ा आपने नल सेट, नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, वो भी एक फाइनाइट फिगर है, मीन्स जो नल सेट होगा वो भी अपने आप में कैसा है, फाइनाइट सेट है। ऐसे ही अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आता है, 1, वो भी कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो नल सेट भी फाइनाइट सेट है और साथ में सिंगलटन सेट भी कैसा है, फाइनाइट सेट है। इसमें टर्म और काम आता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, तो भी साथ में देख लेते हैं ऑर्डर, या फिर इसका एक नाम और होता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन है, जैसे लेट सेट मान लिया मैंने ए, तो इसका ऑर्डर, इसको लिखेंगे अब ओ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए, या फिर एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑर्डर ऑफ ए मतलब अगेन आपको क्या निकालना है, उसकी सेट के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, और यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ऑर्डर निकालने का मतलब उस सेट के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नल सेट का ऑर्डर कितना होगा, तो नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, तो ऑर्डर विल बी 0। ऐसे ही सिंगलटन सेट का ऑर्डर कितना बनेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, 1, तो ऑर्डर विल बी 1। तो इस तरीके से किसी भी फाइनाइट सेट का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। जैसे जो एग्जांपल लिया था मैंने अभी, इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप
इनफाइनाइट सेट, नाम से क्लियर है, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आते हो। तो लिखो डेफिनेशन, ए सेट हैविंग इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट इनफाइनाइटली सही रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। और इस टाइप के सेट ऑलरेडी आप बहुत सारे जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल नंबर्स W, सेट ऑफ इंटीजर्स या कहें तो जेड बी इसका साइन होता है, आई फोर सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये जेड बी सेट ऑफ इंटीजर्स को ही बोलते हैं। देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू फोर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू पावर सी फोर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ऐसे और भी काफी सारे सेट्स होते हैं जिनके अंदर इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स आते हैं, बट ये काफी जाने माने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगी इन्फिनिट सेट का ऑर्डर कितना बनेगा, तो आपने सोचना है कि इन्फिनिट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, इन्फिनिट, तो ऑर्डर विल बी इन्फिनिट। बिल्कुल गलत, आपने जो ऑर्डर डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है फाइनाइट सेट का। अगर इन्फिनिट सेट का ऑर्डर बोलने जाएंगे आप, तो अगर उसका ऑर्डर आप इन्फिनिट बोल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इन्फिनिट क्या हो गया, एक नंबर हो गया। बट इन्फिनिट कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिट तो एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिट सेट का ऑर्डर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है। एक सवाल लेते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ सेट, सेट का टाइप कमेंट करना आपको। फर्स्ट ए x such that x not equal to x, second b set set x such that x square plus x plus 1 equal to 0, third c x plus 1 मान लिया एलिमेंट मैंने, इसका रूल हम अपन मान लेते हैं यहां पे, एक लास्ट या इतने बहुत हैं, इनको चेक कर लिया जाए कौन सा सेट होगा, सॉरी सेट का टाइप क्या होगा, नल सेट या सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट, ये कमेंट करना आपको। वीडियो यहां पॉज कर दीजिए और अपनी तरफ से इनको आप सिंप्लीफाई करिए, करो स्टार्ट। ओके, फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा आपने, सभी के अंदर मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में काम में लिया। आप एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके, एलिमेंट एक्स रखा है फर्स्ट में, और आप बोलेंगे एक्स यहाँ पे एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या एक्स एक्स के इक्वल नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या दुनिया में ऐसा कोई एक्स बना है, ऐसा कोई नंबर बना है जो खुद के इक्वल नहीं हो,
इम्पॉसिबल, जैसे वन तो वन के इक्वल ही होगा, टू टू के इक्वल ही होगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, इम्पॉसिबल। ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स ये हो गया फाइव, टाइप क्या हो गया इसका, नल सेट। सेकेंड बात है, एलिमेंट एक्स रखा है मैंने, रूल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। अगर इसका डी देखें आप, डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डी आ रहा है लेस देन जीरो। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो आता है तो उसके रूट्स कैसे बनते हैं, नॉन रियल बनते हैं, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि एक्स कैसा होना चाहिए, मीन्स एक्स कैसा भी पॉसिबल है, कैन बी रियल कैन बी नॉन रियल। तो अगर नॉन रियल पॉसिबल है तो आपको पता है कि अगर डी लेस देन जीरो है तो इसके दो रूट तो आने ही है, और दोनों ही कैसे होंगे, इसके रूट्स नॉन रियल होंगे। तो जो भी नॉन रियल रूट्स आएंगे दोनों, वही क्या बन जाएंगे, इसके एलिमेंट बन जाएंगे। दो इसके एलिमेंट आने वाले हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंफर्म है कि दोनों रूट नॉन रियल हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं। नॉन रियल रूट ऑलवेज कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आपको क्वाड्रेटिक के अंदर बताया जाएगा, या खुद भी आप निकाल के इसको चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। तो सेट बी के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, अगर दो एलिमेंट हैं तो सेट का टाइप क्या होगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट चेक करते हैं, इस बार एलिमेंट लिखा है मैंने एक्स प्लस वन, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसका भी डी लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो रूट्स कैसे बनेंगे, नॉन रियल, बट यहां पे कैसा बोल रहा हूं मैं, एक्स कैसा होना चाहिए, रियल। यहां तो एक्स आ रहा है नॉन रियल, और यहां आप एंड लगा के बोल रहे हैं कि एक्स कैसा होना चाहिए, रियल। तो रियल तो पॉसिबल नहीं है, अगर रियल पॉसिबल नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मीन सेट कैसा बन गया, नल सेट। फाइव, नेक्स्ट एलिमेंट एक्स रखा है, रूल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, और एक्स कैसा दे रखा है आपको, रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज होता है जीरो या जीरो से बड़ा। अब जीरो या जीरो से बड़े किसी नंबर में अगर आपने वन ऐड करना है तो पूरा सम तो कैसा हो जाएगा, वन या वन से बड़ा हो जाएगा, और आप बोल रहे हैं इसको जीरो के इक्वल। अब वन या वन से बड़ा नंबर जीरो के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगेन नल सेट। फाइव, लास्ट एलिमेंट एक्स रखा है और एक्स दिया मैंने माइनस टू से बड़ा एंड फाइव से छोटा, एक्स साथ में यहाँ पे रियल नंबर है, तो माइनस टू से फाइव के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, इसके एलिमेंट बन जाएंगे। अब दिमाग ये लगाओगे माइनस टू से फाइव के बीच में नंबर ऑफ रियल नंबर्स कितनी बनेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक्स मेरे पास वन से टू है, तो वन से टू के बीच रियल नंबर्स कितने आएंगे, इन्फाइनेटली मैंने 1.01, 1.001, 1.2, 1.21, 1.201, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे माइनस टू से फाइव के अंदर भी कितने आएंगे, इन्फाइनेटली मैनी। तो अगर इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो सेट का टाइप क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट सेट। तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ सेट्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं, इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। थैंक यू।